देश भर में कोरोना वायरस पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज मामला लाइमलाइट में है। जमात के लोगों ने पूरे देश में घूम घूम कर कोरोना वायरस को फैलाया, लेकिन अभी भी कुछ राजनीतिक दल इन लोगों को बचाने में जुटे हैं और उनकी जुबां खामोश है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम जग जाहिर है। वोट बैंक के लिए ममता कभी सीधी नहीं बोलती। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ पश्चिम बंगाल में, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तबलीगी जमात से जुड़े केस के बारे में पूछा गया तो वे नाराज हो गईं। कोरोना वायरस के संकट के बीच बंगाल की ममता सरकार पर लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बुधवार को जब ममता बनर्जी से तबलीगी जमात को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि उनसे सांप्रदायिक सवाल न पूछे जाएं। ये बंगाल है और ये एक सेक्युलर राज्य है। उधर मामला सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस मामले पर ममता सरकार पर सवाल उठाए। अमित मालवीय ने लिखा कि जमात मामले के बाद देश में कोरोना केस काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन बंगाल की स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हुई। क्या ममता सरकार को अपने वोट बैंक की चिंता है? हालांकि ये दीदी का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामलों को वो वोट बैंक के चश्मे से ही देखती रही हैं, चाहे एनआरसी हो, सीएए हो या राम मंदिर का मुद्दा। ममता दीदी सब पर आपत्ति जता चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।